भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट का विरोध करने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र भेजा है और पत्र में सफाई दी है। आपको बता दें, प्रेमचंद गुड्डू बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर काफी ज्यादा हमलावर रहे। सिंधिया और तुलसी सिलावट पर उन्होंने जमकर हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा प्रेमचंद गुड्डू से सवाल किए गए। सवाल के जवाब में वो कहते हैं, मैं 9 फरवरी को ही भाजपा से इस्तीफा दे चुका हूं। मुझे मीडिया के जरिए पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बारे में पता चला है, लेकिन मेरे पास अब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। प्रेमचंद गुड्डू यहाँ पर जवाब देते हुए लिखते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं 9 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद पूरे देश में कोरोना ने अपनी दस्तक दी, लेकिन केंद्र सरकार कोरोना के नियंत्रण की बजाय मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस में लगी रही। उस समय मुझे एहसास हुआ कि देश के सामने पैदा हो रही समस्या का समाधान करना या उसे विकराल रूप में जाने से रोकने के बजाय भाजपा का लक्ष्य दल बदल कर सत्ता प्राप्त करना है। मेरे त्याग पत्र देने के बाद ही सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सिंधिया पर सीधा हमला बोला। मैंने कांग्रेस में रहते हुए भी कई बार उनके खिलाफ आवाज उठाई। सिंधिया परिवार कभी किसी का सगा नहीं हुआ। जब वो कांग्रेस में थे तो कमलनाथ सरकार को किसानों की समस्या को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। अब जब पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है तो वो कहाँ है? अपने राजनीतिक अनुभव के चलते मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने भाजपा की सदस्यता लेकर गलती की, इसलिए मैंने समय से पहले ही अपनी गलती को सुधार लिया। जब मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं, ऐसे में जब मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य नहीं हूं, तो आपको मुझे नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सफाई प्रेमचंद गुड्डू की ओर से दी गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूर्व भाजपा नेता हो चुके हैं अब प्रेमचंद गुड्डू, जिन्होंने पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि पार्टी जो है वो सरकार बनाने में लगी रही, कोरोना नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया, सिंधिया जैसे नेता को बीजेपी में शामिल करवा लिया और ये राजनीति प्रेमचंद गुड्डू को रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ से छोड़ दिया। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।